टुडे वी विल लर्न अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से 1750 बीसी तक माना जाता है, और ये माना जाता है कि लगभग 1400 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सरस्वती कल्चर भी बोलते हैं, और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो सबसे पवित्र जो है कि ये एक तो सरस्वती रिवर पे मिला था यहाँ, और लोग सरस्वती रिवर जो है सबसे पवित्र रिवर माना जाता था पुराने टाइम का, शायद इसलिए भी सरस्वती सिविलाइजेशन भी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। जॉन मार्शल ने सबसे पहले, फर्स्ट स्कॉलर हैं जॉन मार्शल की, जिन्होंने यूज़ किया था टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। टर्म्स को सबसे पहले यूज़ करने वाला कौन है? जॉन मार्शल। और IVC का नाम, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम जो है फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने ही रखा था, और IVC का नाम इंडस वैली पे रखा गया था। इंडस वैली वो रीजन है जो सबसे पहले जहाँ पर रिमेंस मिले थे। रिमेंस सबसे पहले कहाँ मिला था? इंडस वैली। देखो, एक्सकेवेशन सबसे पहले, एक्सकेवेट जो हुआ था, जो खुदाई जहाँ पे हुई थी वो तो हरप्पा साइट पे हुई थी, लेकिन जो रिमेंस मिले बहुत सारे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले? इंडस वैली पे मिले, और इसलिए इसका नाम भी रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हरप्पा जो है सबसे पहले एक्सकेवेट हुआ था, इसलिए इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन जो हैं वो सेम हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया हम देखें तो ये लगभग जो है कि इंक्लूड करता है होल पाकिस्तान, इसमें आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पार्ट्स ऑफ द इंडिया, इंडिया का जो वेस्ट और नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ तक आता है, ये गुजरात के लोथल जो है कि वहाँ तक आता है, और उसके बाद अफगानिस्तान, ईरान, ईरान को सबसे पहले जो है पर्सिया बोलते थे, और ये पूरा जो चार कंट्री, अगर पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी चार कंट्री आती हैं तो पाकिस्तान आता है, इंडिया आता है, अफगानिस्तान आता है, और ईरान आता है जिसको पहले पर्सिया बोलते थे। इसमें हम रीजन देखें कौन कौन से रीजन इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आलमगिरीपुर, वेस्टर्न यूपी, नदन महाराष्ट्र, पाकिस्तान, नदन अफगानिस्तान, लोथल एंड जम्मू, ये सारे के सारे एरिया जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में आते हैं। ये हमने कंट्री वाइज देखा कि कितने कंट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं। ये हमने स्टेट देखा, प्लेस देखा जो कि जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं। ये हम क्लियरली मैप में देख सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, जैसे हरप्पा हो गया है ना, मोहनजोदारो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे लोथल हो गया। हरप्पा, अगर हरप्पा और मोहनजोदारो लोथल में दे तो सबसे नदर्न पोर्शन पे है हरप्पा, और लोथल जो है वो हम देख सकते हैं इंडिया के साउथ पोर्शन में है, महाराष्ट्र के साइड, गुजरात और महाराष्ट्र के साइड में। बेसिकली ये है तो गुजरात में, और यहाँ लेकिन कुछ एरिया है जो कि महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। मोहनजोदारो, अगर लार्जेस्ट साइट देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन का, लार्जेस्ट साइट कौन सा है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट मोहनजोदारो है, जो कि पाकिस्तान में है। सेकेंड लार्जेस्ट साइट हरप्पा है, और वो भी पाकिस्तान में है। और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साइट अगर देखें कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में मिलता है। राखीगढ़ी कहाँ पे मिलता है? हरियाणा में मिलता है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट IVC साइट है। सबसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदर्न और सदर्न साइड में अगर हम डिवाइड करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा पार्ट जो है सबसे जो है कि नदर्न साइड में आता है, तो हम देख सकते हैं कि पहले हम ईस्टर्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे ईस्ट में जो है वो आलमगिरीपुर, जो कि यूपी में है, और सबसे वेस्ट में साइट देखें तो हम देख सकते हैं पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे है, इसका नाम है सुकता गेंडोर करके। सुकता गेंडोर जो है वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है। नदन मोस्ट साइट की बात करें तो रोपार, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के बाउंड्री पे मिलता है, रोपार जो है, रोपार वो सबसे नदन साइट है। सबसे सदर्न साइड में हम देखें तो दैमाबाद, ठीक है, दैमाबाद जो कि मिलता है महाराष्ट्र में। हमने देखा लोथल कहाँ था, लोथल गुजरात में था, फिर उसके नीचे ही आता है दैमाबाद, दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये जो साइट है ये सबसे सदर मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो हम देख सकते हैं
कि तीन साइड, ईस्टर्न वाला, सदर्न वाला और नदर्न वाला, ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, ये तीनों साइड आते हैं इंडिया में। ओनली एक साइट है जो सबसे वेस्टर्न साइट है, ये इंडिया में नहीं आता, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे आते हैं। सुरकोटा, सुरकोटा एक ऐसा प्लेस है, सुरकोटा एक ऐसा प्लेस है। कुछ लोग बोलते हैं कि हॉर्स जो है वो इंडस वैली के टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता था, पहले के बुक में भी यही मेंशन था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे हॉर्स नहीं थे, इनको हॉर्स का पता नहीं था। लेकिन सुरकोटा में जब खुदाई हुई, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, वहाँ पर हॉर्स के कुछ रिमेन्स मिले हैं। इससे पता चलता है कि हॉर्स के रिमेन्स जो हैं वो मिले हैं, दैट मीन्स कुछ कुछ प्लेसेस पे हॉर्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसका पूरा एविडेंस जो है इस कोटा के साइट पे और कहीं नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में आए, क्वेश्चन में आए कि इंडस वैली आईबीसी पीपल यूज करते थे हॉर्स, तो वहां पे यस होगा, नो नहीं होगा। द वनली इंडस साइट है सुरकोटा, जहाँ पे अभी हॉर्स का रिमेन्स फाउंड है। मेन क्रॉप्स देखें इंडस वैली पीपल का, तो वो व्हीट, राइस, डेट्स, कॉटन, बार्ली, मस्टर्ड और सीसम यूज़ करते थे। और ये जो कॉटन है, सबसे पहले अगर पूछे कि किसने स्टार्ट किया था उगाना, कॉटन को उगाना सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है यूपीएससी में। यहाँ पे मेंशन भी है इंडस वैली पीपल फर्स्ट प्रोड्यूस टू द कॉटन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन का जो है प्रोड्यूस करने वाले आईवीसी के पीपल ही हैं। पॉपुलेशन जो आईवीसी के देख मिला है, ये सोर्सेस से मिला है कि वो मंगोलाइट्स थे, कुछ जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स थे, मंगोलाइट्स जो कि मूव कर गए फिर चाइना की तरफ, उधर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स थे ऑस्ट्रेलिया के साइड और मेडिटेरियन साइड्स के, ऐसे पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलते थे। आईवीसी के पीपल देखो, हम यहाँ हमने अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, स्टोन एज, स्टोन एज फिर कॉपर एज आता है एंड ब्रॉन्ज एज आता है। तो यहाँ तक का यूज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन तक होने लगा था, लेकिन आयरन का यूज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर नहीं हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि आयरन जो है वो आईवीसी के द्वारा यूज हुआ था या नहीं। सो आयरन जो है वो आईवीसी के द्वारा यूज नहीं किया गया था, वो स्टोन यूज करते थे, वो कॉपर यूज करते थे, ब्रॉन्ज यूज करते थे, लेकिन आयरन उनके द्वारा यूज नहीं होता था। कॉमन फीचर्स देख लें कुछ साइट का, तो इनमें सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग ऑन द लाइंस ऑफ द ग्रिड सिस्टम, मतलब इनका जो घर होता था इस तरीके के रोड्स हुआ करते थे, इनके घर प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ करता था और एकदम पूरा ग्रिड सिस्टम, रोड सिस्टम पाया जाता था। यहाँ पे इनकी नालियाँ वगैरह भी बहुत वेल जो है बनी हुई थी, सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, तो इनका प्रॉपर जो है एक तरीके से ऐसा हम देखें तो अभी जो है कि दिल्ली में भी नहीं अवेलेबल है हर जगह, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर इतना बढ़िया जो है टाउन प्लानिंग हुआ था। और ये जो यूज़ करते थे घरों को बनाने में, वो बर्नट ब्रिक्स, मतलब ईंटों को जो कि जला के अभी यूज़ होता है, ऐसे ब्रिक्स के को यूज़ करते थे ये लोग कंस्ट्रक्शन में। और फिर अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इनको भी ये जो है डेवलप कर चुके थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, इसलिए सबसे बिग रिजर्वायर धौलावीरा में मिला हुआ है। अगर ये पूछे द बिग रिजर्वायर ऑफ द आईवीसी का कहाँ मिला है, तो बिग रिजर्वायर जो मिला है वो धौलावीरा में मिला हुआ है। और चंदूदारो वो जो है वो सिख पाकिस्तान में, सारे देखो सारे जितने भी प्लेसेस मिले हैं, ठीक है, हर जगह फोर्टिफाइड साइटेडल मिलते हैं। साइटेडल का मतलब ये होता, मान लो ये प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं, कुछ जो है घर बहुत ऊंचे पे बनी होती थी और कुछ जो है नीचे पे बना हुआ था। तो ऊंचे का मतलब ये होता था कि यहाँ पे हायर जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो अमीर लोग हुआ करते थे, रिच पीपल हुआ करते थे, वो ऊपर रहते थे, मान लो जो जिनको एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो ऊपर रहते थे, लेकिन कुछ जो है लोग वो नीचे रहते थे, जो लोअर होते थे, मतलब जो पुअर हैं, ठीक है, और जो वर्कर्स हैं, ये सारे के सारे नीचे रहते थे। तो ये साइटेडल सिस्टम जो है वो हर जगह आईवीसी के साइट में मिला है, एक्सेप्ट द चंदूदारो, चंदूदारो में नहीं मिला हुआ है। ये सिंध पाकिस्तान में, अभी ये जो है पाकिस्तान में ये रीजन है। अगर पूछे चंदूदारो में साइटेडल मिलता है, तो चंदूदारो में साइटेडल नहीं मिलता है। और ये कहाँ चंदूदारो साइट है, ये सिंध में है, जो कि अभी पाकिस्तान में आता है। धौलावीरा में ग्रेट रन ऑफ, जो धौलावीरा जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में मिलता है।
रिलीजन की हम बात करें तो आईवीसी पीपल्स जो थे वो देखो पूजा तो करते थे, वर्शिप करते थे वो, लेकिन वो टेम्पल में नहीं करते थे। वो ऐसा जैसे गॉड्स को नहीं मानते थे जो किसी टेम्पल में जो है मंदिरों में जिसको बैठा दिया जाए और वहाँ पे जाके वो पूजा करे, ठीक है। ये जो गॉड्स को मानते थे वो दो तरीके के एविडेंस मतलब कि एविडेंसेस से दो तरीके के गॉड्स का पता चला है। वो मेल डेटी को पूजा करते थे और फीमेल डेटी की पूजा करते थे। मेल डेटी में जो थे वो पशुपति महादेव आते हैं जिनको प्रो शिवा भी बोला जाता है। ये पता चला है एक तरीके की सील वहाँ पे मिली है, आप यहाँ देख सकते हो इमेज में सील मिली है, और ये इस तरीके के यौगिक पोर्शन में बैठे हुए हैं जिनके सराउंड जो है एनिमल्स हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वर्शिप तो करते थे, ठीक है, लेकिन वर्शिप किसी मंदिर में ना जाके वो जो है कि जो है गॉडेस गॉड्स की या गॉडेस की पूजा करते थे, लेकिन प्रीवेलेंट जो थे वो पशुपति थे। इस जो है सील से पता चलता है फीमेल गॉडेस भी थी, लेकिन फीमेल गॉडेस उतनी पॉपुलर नहीं थी जितना कि मेल जो है गॉड थे वो पॉपुलर थे। इनफैक्ट कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं मिला है जिसे पता चल सके कि ये मंदिर में पूजा करते थे। आप यहाँ पशुपति का इमेज देख सकते हो, और इनके जो पशुपति महादेव थे ये इनके चीफ डेटी थे। इनको लॉर्ड्स ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता है क्योंकि इसी सील से पता चला है कि चार एनिमल्स जैसे एलिफेंट हो गया, बफेलो हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, इनके सराउंड हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। और दो जो है कि डियर्स जो हैं जो इनके पैर के पास में हैं, इनके फीट के पास में हैं। इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम्स में जो फैलिक मतलब लिंगम वर्शिप जो अभी भी होता है जो शिवा का वो तब भी हुआ करता था, आईवीसी के टाइम पे भी लिंगम वर्शिप हुआ करता था, ये एविडेंसेस से पता चला है। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस की बात करें तो उनके स्क्रिप्ट जो होती थी वो पिक्टोग्राफिक होती थी। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है कि इमेजेस को द्वारा चीज़ों को बताना। जैसे हम वर्ड्स लिखते हैं, हमें कुछ बताना हुआ तो मान लो हम लिख दिए के इस तरीके से लिख दिए, लेकिन इनका जो था वो पिक्टो मतलब कोई इमेज बना के अपने भावनाओं को बताते थे कि ये, लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है आज तक भी पढ़ी नहीं गई है। और इनका जो लिखने का तरीका था वो बुस्ट्रोफेडॉन टाइप का था। बुस्ट्रोफेडॉन इसका ये मतलब होता है जैसे हम हिंदी लिखते हैं, ठीक है, हम हिंदी लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। मुस्लिम जो इस्लामिक जो मानते हैं इस्लाम धर्म से, वो हिंदू जब लिखते हैं हिंदी वो उर्दू लिखते हैं तो वो राइट से लेफ्ट इस तरीके से लिखते हैं। जो इनका जो लैंग्वेज है वो लेफ्ट से पहले राइट से लेफ्ट होता है, फिर लेफ्ट से राइट होता है, इस तरीके से होता है। तो इससे पता चल ये एक तरीके के जिग जैग पैटर्न बना लेती है। तो इसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है, शायद अगर डेसिफर हो जाए तो हिस्ट्री पूरी चेंज हो सकती है। कैपिटल सिटीज़ देखें तो इनकी दो कैपिटल सिटीज़ थी, एक हरप्पा और दूसरा मोहनजोदारो। और पोर्ट सिटी देखें तो पोर्ट सिटी लोथल में था, सुकटा जैंडोन में था, अलाहदीनों में था, बालाकोट में और कुंतासी में इनके पोर्ट सिटीज़ थे। एनिमल जो एनिमल्स का एग्जांपल मिला है जो है रियर करते थे या जो है कि पालते थे जो भी एनिमल्स, उसमें सीप मिला है, गोट मिला है, बुल मिला है, बफेलो, डॉग्स, टाइगर, कैट, पिक्स, डियर, टॉर्टोइज, एलिफेंट, कैमल, राइनोसिरोस, लेकिन लायन वॉज नॉट फाउंड। उस समय लायन के बारे में इनको नहीं पता था। तो दो चीज़ें हमने देखे, एक तो आयरन के बारे में इनको नहीं पता था, दूसरे क्या था, इनको लायन के बारे में नहीं पता था। पहले ये था कि इनको हॉर्स के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही एविडेंस मिला तो ये पता चल गया कि इनको हॉर्स के बारे में कुछ कुछ जगह पे पता था, इसलिए ये जो है कि गलत हो गया। लेकिन आयरन और लायन जो है इनको इसके बारे में नहीं पता था। इवन जो है कि हर अभी देखिए आप एलिफेंट के बारे में, कैमल के बारे में, कैमल का भी एविडेंस मिला हुआ है, राइनो तो हमने देखा कि सील में था, एलिफेंट भी सील में था, टॉर्टोइज, डियर भी हमने सील में देखा, कैट, पिग, बफेलो, बफेलो भी सी जो है कि सील में था। तो ये सारे एनिमल्स को ये रियर करते थे, पालते थे, और इन सारे एनिमल्स के बारे में इनको पता था एक्सेप्ट द लायन। ट्रेड एंड कॉमर्स हम देखें तो एक्सटेंसिव रिलीजन एंड हम देखें रीजनल और फॉरेन ट्रेड हुआ करता था। इससे मतलब कि इस ट्रेड से रिलेटेड इससे ऐसे पता चलता है कि कुछ जो सील्स थे है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के कुछ कुछ सील थे वो मेसोपोटामिया में देखने को मिला, और सुमेरिया में जिसको मॉडर्न इराक भी बोलते हैं, सुमेरिया को यहाँ पे इनके कुछ सील्स देखने को मिला। और एक्सपोर्ट जो होता था इनका वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, कॉटन गुड्स का, टेराकोटा का, फिगराइंस, पॉटरी, आवरी प्रोडक्ट्स एंड कॉपर का जो है ये ट्रेड करते थे।
आयरन हमने पहले देखा कि आयरन वॉज नॉट नोन टू आईबीसी पीपल. ये ब्रॉन्ज जो है गोल्ड कॉपर इवन गोल्ड का भी यूज़ करते थे ये लोग, कॉपर का भी यूज, जबकि गोल्ड एंड कॉपर प्रीशियस मेटल है फिर भी ये इसका यूज़ करते थे, लेकिन आयरन के बारे में इनको नहीं पता था. सूसा एंड यूआर जो मेसोपोटामिया में है वहाँ पे हरप्पन साइट के कुछ सील्स देखने को मिले हैं. इसी से पता चलता है कि हो सके हरप्पा के लोग जो हैं यहाँ से जो है ट्रेड करते थे, ट्रेड जो है उनका सील्स के द्वारा हुआ करता था, एज ए करेंसी वे सील्स यूज़ करते थे. और हर जगह ना पता मिलने की वजह से ये भी लोग सोचते हैं कि उनका जो ट्रेड हुआ करता था वो बार्टर सिस्टम से होता था. बार्टर सिस्टम मतलब इनके पास सपोज कुछ है और कुछ इनके पास है तो वो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. लोथल देखें, लोथल जो है एंशियंट पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और आईबीसी वॉज प्राइमरली जो है वो हमने देखा कि अर्बन सिविलाइजेशन है. जिस तरीके की टाउन प्लानिंग थी इनकी, जिस जैसे इनका ट्रेड होता था सब कुछ, इससे पता चलता है कि अर्बन सिविलाइजेशन था. एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ क्लियर कट तो एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन ये माना जाता है कि जो हायर क्लास मर्चेंट थे, मतलब उस समय मर्चेंट्स ही हुआ करते थे, जैसे हमने साइटेडल में देखा कि जो ऊपर कुछ लोग रहते थे कुछ लोग नीचे, तो ये माना जाता था ये हायर क्लास मर्चेंट थे जो साइटेडल में ऊपर रहते थे, हायर क्लास मर्चेंट थे, यही जो हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले रखे हुए थे. कुछ इम्पोर्टेंट जो है हम फैक्ट देख लेते हैं साइट के बारे में. जैसे हरप्पा साइट हो गया, हरप्पा फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेट. हरप्पा को सबसे पहले जो है खोदा गया था, खुदाई हुई थी यहाँ पे. ये है रावी रिवर पे हरप्पा साइट, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हुई है वो साइटेडल की 6 ग्रेनेज इन रो और 2 रूम्ड ब्रैक्स और ब्रोंज क्रूसिबल. ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है हरप्पा में जो भी मिला है, लेकिन मोहनजोदारो में जो मिला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जैसे मोहनजोदारो का लिटरली मीनिंग होता है माउंट्स ऑफ द डेड, ठीक है. इस्टेब्लाइज ये इस्टेब्लिश हुआ था रिवर इंडस पे. हरप्पा किस पे था? हरप्पा था रावी रिवर पे, और मोहनजोदारो किस पे है? मोहनजोदारो इंडस रिवर पे है. लार्जेस्ट बिल्डिंग एज ए ग्रेनरी, यहाँ पे सबसे ग्रेनरी मतलब ऐसे प्लेस जहाँ पे अनाज को एज ए एडवांस में रखा करते थे तो उसको ग्रेनरी बोलते हैं. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रेनरी साइट मिला है. इम्पोर्टेंट फाइंडिंग देखें तो यहाँ पे ग्रेट बाथ मिला है, ठीक है, जो एज ए रिचुअल बाथिंग या लोग वहाँ पे जाके पूजा वगैरह करते थे या कुछ मनाते थे उसके लिए ग्रेट बाथ बनाया गया था. ये यहाँ पे मोहनजोदारो में मिला है. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल्स मिली स्टैचू इसका मिला है. स्टिटाइट स्टैचू ऑफ द मैन विद बियर्ड, ठीक है. यूनिकॉर्न सील्स, मोस्ट फाउंड सील्स जो थे वो यूनिकॉर्न सील्स ही थे, और यूनिकॉर्न सील्स कहाँ पे मिले हैं? वो मोहनजोदारो में मिले हैं. पशुपति का सील जो हमने अभी इमेज देखा कि अजय पशुपति का इमेज देखा वो भी यही मोहनजोदारो में मिला है. सील्स ऑफ द मदर गॉडेस का सील्स भी, मतलब जो ये पूजा करते थे, मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो डीटी था ये मदर गॉडेस और पशुपति थे, ये भी मोहनजोदारो में मिला है. तो मोहनजोदारो में जो भी मिला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगला हमारा लोथल. लोथल को 6 सिटी में डिवाइड कर दिया गया था, 6 सेक्शन में, और इनका जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स है वो जो है कि बीड मेकिंग फैक्ट्री, यहाँ पे लोथल में बीड मेकिंग फैक्ट्री जो है पाई गई है, और आर्टिफिशियल डॉक और रिस्क और राइस हस्क. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ, लेकिन बीड मेकिंग फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर मिली है? ये लोथल में मिली है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. कालीबंगन में देखें, कालीबंगन में मेनी हाउसेस हैड वेल्स. कालीबंगन में बहुत ऐसे घर मिले हैं जिनका अपना खुद का वेल्स था, और इम्पोर्टेंट जो फाइंडिंग है वो है बोन ऑफ द कैमल. ये लोग कैमल को जो है पालते थे, रियर करते थे. इसकी फाइंडिंग कहाँ पे हुई? कालीबंगन में, ठीक है. और कालीबंगन जो है, और नो प्रेजेंस ऑफ बैग्ड ब्रिक्स और ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे नहीं मिला. अगर पूछे कि क्या कालीबंगन में जो है ड्रेनेज सिस्टम था, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, ठीक है. और फिर आते हैं हम धोलावीरा में. धोलावीरा में ये गलत दिया है, लार्जेस्ट साइट पहले धोलावीरा था, लेकिन अभी लार्जेस्ट साइट जो है वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है. हैज़ 3 साइटेडल, यहाँ पे 3 साइटेडल. हमने देखा कि हर किसी में 2 साइटेडल होता था, एक अपर एक लोअर. यहाँ पे धौलावीरा में जो है वो 3 साइटेडल, 3 लेवल के साइटेडल हुआ करते थे. सुरकोटा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं. चंदूदारो वनली सिटी है जो विदाउट साइटाडेल है.
तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे इम्पॉर्टेंट साइट जिससे सवाल पूछते हैं वो क्या है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, धौलावीरा हो गया, सुरकोटोडा और चंदूदारो। फिर कॉजेज क्या है डिक्लाइन होने के, देखो कॉजेज जो है वो बहुत सारे कॉजेज हैं। कुछ ये बोलते हैं कि ये जो IBC के पीपल थे वो एकदम जैसे कि बहुत पीस लविंग थे, ये वार वगैरह नहीं करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है कि जिससे पता चले कि IBC वार करते थे। कोई बाहर से आए जो कि बहुत ही वार वगैरह करते थे, ये इनको मारा और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ के पूरा जो है कि हर जगह फैल गए। फिर ये भी माना जाता है कि किसी तरीके की सुनामी वगैरह या अर्थक्वेक आया जो जिसकी वजह से इनका जो है डिक्लाइन हो गया ये सारे, या सूखा पड़ गया, इनको खाने को कुछ नहीं मिला, इसकी वजह से डिक्लाइन हो गया। तो इसके कैसे डिक्लाइन हुए इसके अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन अभी एक्चुअल क्या है ये नहीं पता है कि एक्चुअल ये किस वजह से डिक्लाइन हुए।